Aditya is the secretary of Rajesh Roshanji, and we are truly, truly honored to welcome you as well. Thank you, Ben. मैं सबसे पहले तो अपने और ये इंसान सेल्फ मेड है, अपनी मेहनत से आज इस मकाम पे पहुंचे हैं ये, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने एक छोटे से शहर से आके, बॉम्बे जैसे शहर में मेहनत करके आज ये मकाम हासिल किया है कि फिल्म्स टुडे एक बहुत ही अच्छी मैगजीन्स में उसका शुमार होता है। और इसका मतलब रिजल्ट ये है कि आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हम सब यहाँ खड़े हैं इनके लिए। तो मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं राजेश भाई आपको, ईश्वर आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे और पूरे वर्ल्ड में फिल्म्स टुडे फैल जाए, यही मेरी शुभकामनाएं। मैं अपने गीत का दो बोल इनके लिए दुआ के रूप में सुना दूंगा। यारों सब दुआ करो, यारों सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो। यारो तुम मेरा, यारो तुम इनका साथ दो जरा, यारो तुम इनका साथ दो जरा। थैंक यू। फैजल भाई भी फिल्म्स टुडे से जुड़े हैं और बड़ी खुशी की बात है। और दोस्तों, बहुत जल्द समझिए, शायद एक आध महीने के अंदर ही, ये बोलना मतलब मैं नहीं चाह रहा लेकिन बोल देता हूँ, रोक नहीं पा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा फिल्म का प्रोजेक्ट हम फैजल भाई के साथ शुरू कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, एंड अभी वो सब सस्पेंस है, वो जब आपको सबको बुलाया जाएगा और आप सबकी हाजिरी में, आप सबके मौजूदगी में ही उसका अनाउंसमेंट और हर चीज़ होगी। बट ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं फैजल खान साहब के साथ कुछ प्रोजेक्ट प्लान कर रहा हूँ और जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लीजिए राजेश भाई। यस फैजल जी, कैन वी प्लीज रिक्वेस्ट यू फॉर अ फ्यू वर्ड्स प्लीज बिफोर वी गिव इट टू राजेश जी। थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग। राजेश जी कांग्रेचुलेशंस अ लॉट और इंडिया टुडे, मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ कि सिंगापुर में भी शुरू हो रहा है इंडिया टुडे एंड आप बुलंदियों पर पहुँचे, आगे बढ़े, बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा गले की तकलीफ के कारण ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। दिवाली है, सबका प्रॉब्लम है। कितना प्यार है हमारे में। तो मैं सबसे पहले रामशेखर भैया को चरण स्पर्श करता हूँ और यहाँ पे आए मेरा बड़ा भाग्य है। फैजल भाई आए, आप सभी आए, सबसे बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़े प्रिय मित्र हमारे बैठे हैं, बिल्कुल हमारे स्ट्रगल के समय के साथी जैसे हमारे गुरुजी बैठे हैं, ये 20 साल पुराने वाले मित्र हैं हमारे। हरीश भाई बैठे हैं, प्रीतम भाई बैठे हैं, संजय भाई हैं, प्रदीप जैन जी हैं, दिनकर साहब आए, मेरे तिवारी जी आए, अरे 20 साल बाद आए हमारे से मिलने के लिए। तो बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आज सब लोग हमारे लिए आए। और बस संघर्ष करता रहा हूँ और सबका आशीर्वाद रहा मेरे साथ में। और एक बात कहना चाहूँगा मैं कि मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी बोला करते थे कि बेटा तुम अपने पैर जमीन पर रखना और दिमाग आसमान। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात। तो बोलते थे कि बेटा अगर तुम दिमाग आसमान पर रखोगे तो बड़ा सोचोगे और पैर जमीन पर रखोगे तो कभी गिरोगे नहीं। तो हमेशा उनकी बात मान के चलता रहा हूँ। और जब मुंबई आया, राम भैया जिससे लोगों का साथ मिला, आशीर्वाद मिला, मेरे स्ट्रगल से, मेरी शादी से, ब्याह तक सबका भैया का साथ रहा है। तो बस ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा आप आए और थैंक यू। राजेश जी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ऑनर टू हैव यू हियर, यू लुकिंग एब्सोल्युटली डैशिंग। प्रति आई है ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर, क्योंकि मैं रास पास कर रही हूँ। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, फिल्म्स टुडे नवंबर इश्यू के कवर पेज पे है कृति अग्रवाल। अच्छा, मैं यहाँ पे अब मैं तो काम कर रही थी, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हर एक के साथ उनके फोटोग्राफ्स मैंने देखा, देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं। किंग से मिले वो, क्या बात है, बहुत बढ़िया रहा दुबई ट्रिप, 3 days long trip at Mahabis 2018।
And ladies and gentlemen, thank you, Simran. It's an honor to be back to my hometown. I'm a resident of Singapore. But then every time it feels like so homely, and you know, when you are back to your own country and then you are being honored there. I'm Miss Tourism Singapore and Miss Tourism World Ambassador. So, like, I am so honored and happy to be on the cover page of Films Today. I'm an international brand ambassador of Films Today. So, we together did launch in Malaysia, Singapore, and now we are gonna do in many more countries. So, this is how we will take Films Today to a new, different international level, month by month, with all your blessings, of course. So much, and the dignitaries, along with the lovely lady, Miss Tourism Brand Ambassador World. Yes, yes, I'm also there. Congratulations. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations to Films Today, which is traveling across the world. On the cover page is Miss Kruti Agarwal. Wow, congrats. It's a beautiful cover page. Hearty, hearty congratulations to everyone. And it says, yes, Films Today, traveling across the world. It's truly an honor to do it one more time after Dubai launched the launch in Mumbai, which says, put beyond talent. Wow. Actually, iski copy main bhi pehli baar hi dekh rahi hu, lekin Dubai mein ek bhi copy nahi mili mujhe. Saari inhone de di thi mujhe. एकदम प्यारे कहाँ चले गए अरे हाथ मत मत चलो भैया चाचा आपका आ रहा है पूरा कैमरा है चाचा नीचे चाचा है ना फोन वाले चाचा आईपैड वाले चाचा पुश कर पुश Done. Thank you. Congratulations. Thank you so much. अभी दिवाली की अब तक चुप चुप चलो एक सेंसर बंदे अरे पीछे आ जाओ तू बैठो पीछे आ दे जो लोगों के सपने को पूरा करते हैं और ने ब्यूटीफुल से सिंट मुस्कुराहट है प्लीज उसे हमेशा मैग्निफिसेंट ही रखना सर एक मिनट सर Ram sir, ji and Faisal sir, thank you so much for presenting all the awards to our awardees this evening. You're at Films Today 2018 Awards. बहुत बहुत बधाई हो आपको. And we are truly thankful to you. She's come all the way from Singapore for the grand launch of Films Today. Here, 12 years going places, internationally traveling is Films Today across the world. We call. किसान नीचे लगा मेरा कैमरा नीचे का
ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर, डन ना, डन, Ladies and gentlemen, here we present to you the unveiling of the spectacular Films Today Legacy International Awards 2019 to be held on the 3rd of March at Singapore. Krati Agarwal, we are coming to your country, girl. Most welcome. Thank you. काफ़ी दुनिया में फैल रहा है ये मैगजीन और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ राजेश श्रीवास्तव को फिल्म टुडे को और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि मैगजीन और भी फैले पूरी दुनिया में फैले कॉन्ग्रेचुलेशंस आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं राजेश श्रीवास्तव जी जो कि चीफ एडिटर हैं फिल्म्स टुडे के उनको मुबारकबाद देने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए क्योंकि उनकी मैगज़ीन पूरे वर्ल्ड में फैल रही है और बहुत जल्दी सिंगापुर में भी इस मैगज़ीन के माध्यम से अवार्ड फंक्शन होने वाला है तो मैं और फैज़ल खान साहब और बहुत से सेलिब्रिटीज़ हम लोग जो यहाँ पर आए हैं राजेश श्रीवास्तव जी को और उनकी टीम को मुबारकबाद देने आए हैं कृति अग्रवाल और सिमरन आहूजा जो कि इस मैगज़ीन के फ्रंट पेज पे जिनका पेज छपा है उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं कि ईश्वर उनको कामयाब करे बहुत बहुत शुभकामना राजेश श्रीवास्तव जी को चाहे फिल्मी क्यों ना हो देखिए थोड़ी गॉसिप तो अच्छी रहती है लेकिन गॉसिपिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और फिल्म्स टुडे जो मैगज़ीन है वो बैलेंस करती है शायद बिजनेस को भी और जो ऐसे के कुछ अच्छे अच्छे लोग जो काम कर रहे हैं इस दुनिया में उनको भी हाईलाइट करती है तो इट हैज़ अ गुड मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स सो इट्स वेरी गुड थिंग फैजल जी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आप इस मैगजीन के साथ जुड़े हो टक्स ऑफ हिंदुस्तान भी रिलीज हो चुकी है जी क्या क्या प्लान है आपका क्या आप देखने वाले हैं या फिर अभी तक देखी है नहीं मैं तो देख चुका हूँ काफ़ी ट्रायल्स देख चुका हूँ फर्स्ट कॉपी भी देखी थी तो मुझे तो अच्छी लगी थी पिक्चर और लोगों को पसंद भी आ रही है तो जिस तरह का बिजनेस कर रही है उसको लेकर कितने खुश हैं पहले दिन में 50 करोड़ का बिजनेस हाँ तो इट्स द बिगेस्ट गॉसिप आउट टिल टुडे तो मैं पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आमिर खान को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ यश चोपड़ा को यशराज फिल्म को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ तो दे आर डूइंग वेल मेरी एक फिल्म रेडी है जिसका नाम है डेंजर है तो वो रिलीज होगी 2019 के बिगनिंग में फर्स्ट हाफ में और एक पिक्चर में शुरू करने जा रहा हूँ फैक्ट्री जो कि जैन में उसकी शूटिंग शुरू होगी तो और रामशंकर जी के साथ एक प्रोजेक्ट प्लान है तो वो भी इंशाल्लाह जनवरी में शुरू हो जाएगा नए साल में या थैंक यू मैं बहुत हिंदी यू वांट इट ओके आई एम वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ ऑफकोर्स लाइक अपने ही कंट्री में आकर यू आर बीइंग ऑनर्ड लाइक दिस एंड आप फ्रंट कवर में आते हो विद सच अ पॉपुलर मैगजीन लाइक फिल्म्स टुडे सो इट्स अ मोमेंट ऑफ बीइंग ऑनर्ड हियर एंड आई एम सो फीलिंग लाइक होमली एंड वार्म वेलकम सो आई एम लाइक आई एम सो टच्ड एंड या डेफिनेटली एंड आई जस्ट वॉन्ट की फिल्म टुडे को बहुत ज़्यादा यू नो ऊँचाइयाँ मिले और हाइट्स मिले एंड वो इंटरनेशनल एंड हर कंट्री को कवर करें बींग अ टूरिज्म एम्बेसडर माई सेल्फ आई वॉन्ट फिल्म टुडे टू गो ऑल दी प्लेसेस कृति जी के बारे में क्या बोलोगे हम लोग एक बहरीन में हम लोग हमारी मुलाकात एक बहरीन में हुई थी वहाँ पे हमारा मैगजीन लॉन्चिंग था काफ़ी इवेंट था और हमारी मुलाकात हुई इनकी आदत स्वभाव अच्छा लगा और ये जो वहाँ पे सिंगापुर की जो टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर है इतना बड़ा बोलता है कि एक पोस्ट होती है और उसके बाद इतना बड़े बड़े काम करती हैं उसके बाद इनका जो स्वभाव जो सरल था मुझे बहुत अच्छा लगा हम लोग मीटिंग किए उसके बाद में हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी मैगजीन की ब्रांड एम्बेसडर बनिए ये बिल्कुल आसानी से बन गई और उसके बाद में इन्होंने फॉरेन में मैगजीन के लिए काम से स्टार्ट किया उसके बाद में मलेशिया सिंगापुर और अभी नाउ वी आर गोना वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक मालदीव मैगजीन लॉन्च किया है और आने वाले समय में USA लंदन कनाडा वगैरह हम लोग प्लानिंग है और 3 मार्च को इनके सहयोग से इनकी कंपनी हमारी कंपनी फिज एंटरटेनमेंट्स काफ़ी लोग मिलके 3 मार्च को सिंगापुर में फिल्म टुडे अवार्ड कर रहे हैं लेगेंसी अवार्ड्स इंटरनेशनल अवार्ड्स
हमारा आइडिया था, लेकिन मैंने इनको बोला तो ये बोले मेरा भी आइडिया ये था, चलो दोनों मिलके करते हैं। या एक्चुअली मैं हमेशा से बहुत ही एलीट एंड हाई लेवल कोर बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट अवार्ड्स प्लान कर रही थी। व्हेन आई मेट राजेश जी तो मुझे लगा इट इज़ अ परफेक्ट एसोसिएशन जिसमें इंडिया एंड बॉलीवुड भी कम्बाइन हो सकता है एंड इंटरनेशनल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स भी कम्बाइन हो सकते हैं। तो दिस इज़ अ अवार्ड फॉर एंटरटेनमेंट एज वेल एज फॉर द बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स all over the world. It's not just India or Singapore thing. It is like all over the world. So we're gonna start with Singapore because like it is, I'm living there, I know it is, we know in and out of Singapore, so I want to start from there. And then I have talked to the different countries, tourism board like Maldives, Sri Lanka as well. So we will take it to different countries every year and it will be elite level with no, you know, pure solid awards, just like no mixing and no, you know, cheating kind of thing. हाँ मैं बॉलीवुड की बहुत बड़ी फैन हूँ, इट्स ऑफकोर्स एंड शाहरुख खान इज माई लाइक हार्टथ्रॉब फेवरेट। सो मैं फिल्म मैगजीन बहुत पढ़ती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने फिल्म्स टुडे ही ज़्यादा पढ़ी हैं, बट हाँ बॉलीवुड टी वी कॉफी विद करण एंड टी वी सीरियल्स आई हैव सीन अ लॉट। Yeah, of course. This is a magnificent association, I must say, because I know both of them very well. मैं दोनों को अच्छी तरह से जानती हूँ. राजेश श्रीवास्तव जी इज ऑन माई लेफ्ट एंड टू माई राइट इज अ वेरी मैग्निफिसेंट कृति अग्रवाल. मैं इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ. तो जब मुझे ये पता चला, जब ये राज फाश हुआ मेरे सामने दैट वी कमिंग अप विद फिल्म्स टुडे लेगेसी इंटरनेशनल अवार्ड्स 2019, मैंने कहा वाओ दिस इज रियली मार्वेलस, बिकॉज कृति हमेशा से इसमें एंटरप्रेन्योर स्किल्स रहती हैं और ये हमेशा जब भी बात करती है ना हमेशा बिजनेस की बात करती हैं. और राजेश जी जैसे वो इंसान हैं, इतने ही जैसे उन्होंने कहा कि हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं, इतने वंडरफुल ह्यूमन बीइंग हैं, आई थिंक कोई भी इनसे एसोसिएट हो सकते हैं और बिल्कुल सेफ हो सकते हैं. सो इट इज़ एब्सोल्युटली अ मार्वेलस कॉम्बिनेशन और मैं बधाई देना चाहूंगी इन दोनों को. एंड आई एम ट्रूली एक्साइटेड टू होस्ट देयर अवार्ड सेरेमनी इन सिंगापुर ऑन द 3rd of March. वेलकम एंड वी लाइक टू इनवाइट फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया एंड एवरीवन फ्रॉम इंडिया टू सेंड इन योर नॉमिनेशंस राइट फ्रॉम टुमारो. That is business awards as well as entertainment awards. नहीं सेफ मतलब काम में माहिर है. हम 24 घंटे हम दुबई में थे और मैं एक और बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगी. आई एम ट्रूली थैंकफुल टू पीजे एंटरटेनमेंट फॉर ज्वाइनिंग अस, प्रदीप जैन जी जो हमारे साथ दुबई में भी थे. एंड आई मस्ट टेल यू जैसे कि मैंने कहा सेफ इसलिए कह रही हूँ बिकॉज 24 घंटे हो जाते हैं ना ये फिर भी सोते नहीं है. वी वर्क फॉर नॉन स्टॉप. हम कंबोडिया में थे, वी हैड 3 days event. Yeah, we didn't sleep at all. तीनों रात हम सोए नहीं. And almost for 70 hours we were working non-stop. तो सेव इसलिए हैं, because ये बहुत मेहनत करने में विश्वास करते हैं. नहीं जी. छोटा पैकेट बड़ा धमाका. हाँ दीदी क्या? इनकी बड़ी बहन होने के नाते मैं ये कहूँगी, ये जो दिखते हैं वो है नहीं, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका. तो आज ये धमाका आपने देख लिया. सो प्लीज सब लोग सराहे, आशीर्वाद दीजिए. और मैं और क्या चाहते हैं हम, हमारे भाई मेरे भाई बहुत बहुत आगे बढ़े. मेरी शुभकामनाएं फ्रॉम शुभ मल्होत्रा. थैंक यू. एंड ये अवार्ड्स जो प्रेजेंट हो रहे हैं वो हो, मुझे राजेश जी बड़े भाई ऐसे मिले मुझे साथ में, इन्होंने मुझे साथ में ज्वाइन करा रहे मुझे. मैं वो एक बच्चा ऐसा आदमी हूँ, मैं सोशल वर्कर के उसमें से आया हुआ है. मैं वो राजेश जी ये जो लाइन में है इनको सब मालूम है, वो इनके साथ में मैं ज्वाइन होकर मैं सिंगापुर में सब हम साथ में हमेशा इवेंट करना रहे. सिंगापुर में नहीं, सब पूरा ऑल इंडिया में और बाहर भी जाइए इंडिया में भी करना रहे. अरे मेरा 21 अभी नवंबर में एक बड़ा सा एक इवेंट है मेरा, बहुत अच्छा है. मैं आपको बाद में उसके बारे में बोला, यादी सी उसके बारे में बोलेंगे. बहुत अच्छा है ये इवेंट, बहुत अच्छा है. वैसे आएगी मैं उनको, आप सर जी आप आइए जरूर से, आप जरूर से आइए, क्योंकि सर जी आप सुनेंगे आपको भी लगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ. मुझे किसी को एक दिन देना है, मुझे पूरा एक दिन एक किसी को देना है. मुझे जो बच्चे रहो जो अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ दिए, मैं उसको भूल गए. वो जो आश्रम में जो 50 साल 80 साल की जो उम्र वाले है,
माँ बाप उनको मुझे एक दिन उनको समय समय देना है, उनको वहाँ पे कहाँ पर मुझे कहाँ पर इवेंट में लेके जाना है, उनको पूरा दिन हंसाना है, खाना खिलाना है, गेम खिलाना है, उनके मन की भावना, उनके दिल की आवाज़ मुझे उसको सुनना है, सुनाना मुझे एक दिन में उनको देने वाला हूँ मैं। आप भी सब आइए भाइयों, और आपको भी बोल रहा हूँ मैं, आप भी आइए, आपको भी आइए, आप भी सब आइए, उसमें बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। और मैं राजेश जी मैं खुश नसीब हूँ कि आप सब मेरे साथ में है, और मैं आज मेरे में इतना हिम्मत पावर आ गया कि आज मैं चाहूँ ना वो अनिल अंबानी के धीरू भाई अंबानी भी बन जाऊँगा मैं। आपका सब साथ चाहिए मुझे, वो भी सोशल वर्कर में, पैसा कमाने में सोशल वर्कर की बात कर रहा हूँ मैं बस।